सत श्री अकाल स्टूडेंट, मैं अनीश कुमार, टीचिंग एट GPS मंदर कलां, ब्लॉक धर्मकोट 2, जिला मोगा। तो अज असी पंजाबी पुस्तक क्लास 3 दा 17वां चैप्टर कहानी दा नाम भेत दी गल करांगे। तो सारे स्टूडेंट सब तो पहला अपनी पंजाबी पुस्तक कढ़ के पेज नंबर 82 कढ़ लैन, पाठ नंबर 17 भेत दी गल। तो सारिया ने इस कहानी नूं ध्यान नाल सुनना है, तो इस तों बाद अपने आप पढ़न की कोशिश करनी है। जे कोई दिक्कत आउंदी है तो तुसीं कमेंट दे विच दस सकदे हो। तो शुरू करदे हां भेत की गल। बड़ी पुरानी गल है, बड़ी पुरानी गल है, एक शहर विच एक वपारी रहिंदा सी। उस दा कारोबार दूर दूर फैलिया होया सी। ओह एक थां तों समान खरीददा अते दूजी थां वेच दिंदा। इस तरह उसने बहुत पैसा ते नाम कमाया। एक बार वो अपने व्यापार दे संबंध विच किधरे दूर जान लगा। उसने अपने घर दे सारे जीआं नूं पुछया, उत्थे तुहाडे लई की लै के आवां। सब ने अपनी अपनी पसंद दीआं चीज़ां दस दित्तीआं। उसने एक तोता भी पालिया होया सी। तोता बहुत सोहना सी, उस दी आवाज़ बहुत मनमोहनी सी। उसने तोते नूं पुछया, मियाँ मिठू तेरे लई की लै के आवां। तोते ने कहा, मैं कुछ मंगवाना तो नहीं, पर इन्ना काम कर देना कि जिथे किधरे तोते मिलन उन्हां नूं मेरा सलाम कर देना। उन्हां नूं कहना कि तुसीं आजाद हो ते बागां विच उड़दे फिरदे हो ते मैं पिंजरे विच कैद हाँ। वपारी तुर पिया। ओह जिथे जिथे भी जांदा उत्थों दे तोतियां नूं अपने तोते दा सुनेहा दिंदा। फिर सफ़र करदे करदे वपारी तोते दी गल भुल गया। एक दिन उसने एक दरख्त ते बहुत सारे तोते बैठे देखे। ओह अपनी बोली बोल रहे सन। व्यापारी नूं अपने मियाँ मिठू दी गल याद आ गई। उसने दरख्त कोल जा के कहा, ऐ आजाद तोतेओ, दूर एक शहर विच एक तोता पिंजरे विच बैठ बंद है, उसने तुहानू सलाम किया है। ये सुनदियां ही सारे तोते चुप कर गए। व्यापारी ने फिर कहा, उस तोते ने ये सुनेहा दिता है कि तुसी तां आजाद हो ते बागां विच उड़दे फिरदे हो, मैं पिंजरे विच कैद हाँ। ये सुनदियां ही सारे तोते फिर चुप हो गए। पर एक बुढ़ा तोता तड़फ के थल्ले डिग्गिया ते मर गया। व्यापारी नूं ये देख के बहुत दुख होया, पर हुण ओ की कर सकदा सी। जो होना सी हो गया। व्यापारी अगे तुर पिया। व्यापारी अपना काम खत्म होण पिछों घर मुड़ गया। उसने अपने परिवार दे सारे जीआं नूं उन्हां दे मंगवाए तोहफे दित्ते। तोते ने पुछया, मेरे तोते भरावां ने मेरे लई की तोहफा भेजिया है। व्यापारी ने कहा, तेरी गल तेरे तोते भरावां नूं आख के मैं पछता रहा हाँ। एक दरख्त उत्ते बहुत सारे तोते बैठे सन, मैं उन्हां नूं तेरा सलाम ते सुनेहा दिता, पर उन्हां विच्चों एक बुढ़ा तोता तड़प के जमीन ते डिग्गिया ते मर गया। व्यापारी ने हाले गल पूरी ही कीती सी कि मिठू तोता तड़प के डिग्गिया ते जापिया जिवें मर गया होवे। व्यापारी नूं बहुत अफसोस होया। वह अपने आप नूं बुरा भला कहन लगा, जे मैं ये गल इस नूं ना दसता तां की विगड़ जांदा। उदास मन नाल व्यापारी ने पिंजरा खोलिया ते तोते नूं बाहर कढ़ दिता। तोता फुर करके उड्डिया ते दरख्त ते जा बैठा। व्यापारी ने हैरान हो के पुछया, आ की गल होई, इंदे विच की भेत है। तोते ने कहा, यह तोहफा भेत दी गल, उस बुढ़े तोते ने मैनू कैद विच आजाद होण लई भेजिया सी। पिंजरे दी गुलामी नालों आजाद हवा चंगी हुंदी है। तां इस तरह जिहड़ा आपां नूं किसे भी पंछी नूं कैद करके नहीं रखना चाहिए,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ। ਆਜ਼ਾਦ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸੋਸ। ਅਫਸੋਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਤੋਤੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਫਸੋਸ। ਅਫਸੋਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ। ਤੜਫ ਕੇ, ਬੁੱਢਾ ਤੋਤਾ ਤੜਫ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੜਫ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਣੀ। ਮਨਮੋਹਣੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਰ। ਸਫ਼ਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਤਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜ। ਵਿਗੜ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ। ਵਿਗੜ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ। ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਮੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਤੋਤੇ ਦਾ ਕੀ